हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आज आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ बहुत दिनों के बाद। तो ये जो मोबाइल आप देख रही हो, ये मैंने कैशिफाई का जो सुपर सेल एप्लीकेशन है वहाँ से परचेस किया हुआ है, ठीक है। और ये मोबाइल मैंने परचेस किया हुआ है सिर्फ 2500 में। और ये ओप्पो का फ़ोन है, ओप्पो जो A3S आता है वो मॉडल का फ़ोन है, ठीक है। और इसमें आप लोगों को 2GB रैम मिलेगा, ठीक है, और 16GB स्टोरेज वाला। और ये फ़ोन सिर्फ 2500 में वो सुपर सेल एप्लीकेशन में, उसमें ABCD ऐसे करके कैटेगरी आता है, जो मैंने डी कैटेगरी में मंगाया। तो अभी देखेंगे कि डी कैटेगरी का फ़ोन कैसा होता है, ठीक है। तो अभी इसको हम ओपन करके आप लोग को दिखाऊंगा कि डी कैटेगरी का फ़ोन एक्चुअल में होता क्या है और उसमें कौन सा खराबी आता है, और मतलब उसमें कौन सा जो प्रॉब्लम होता है, कैसा प्रॉब्लम होता है, वो सारा यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगा। डी के टाइप का फ़ोन सब लोग बोलते हैं बहुत ख़राब है, तो अभी हम ओपन करके देखेंगे कि डी के टाइप का फ़ोन कैसा होता है। डी के टाइप में आप लोगों को यहाँ पे बॉक्स नहीं मिलेगा, जो ऐसा वाला बॉक्स होगा वही आप लोगों को मिलेगा। और इसमें पैकिंग कुछ ऐसा होगा, सिर्फ आपको यहाँ पर इनवॉइस मिलेगा, चार्जर और इसमें ईयरफोन वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। और ये जो इनवॉइस है ये GST के साथ आता है। और ये इसका प्राइस आप लोगों को मैं दिखा दूँ, इसका प्राइस है 2540 रुपीज़, 2540 रुपीज़। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली 2540 रुपीज़। तो ये है इसका इनवॉइस, ठीक है, और इसमें कोई ऐसा नहीं है। और बॉक्स में सिर्फ उसका बॉक्स में ऐसा कुछ चीज़ नहीं है, जो चार्जर मिलता है वो नहीं मिलेगा आप लोगों को, सिर्फ इसमें आप लोगों को मिलेगा इसका हैंडसेट, ठीक है, मोबाइल जो हैंडसेट है वही मिलेगा। और ये कैसा कंडीशन में है आप लोगों को दिखा दूँ, ये थोड़ा सा रफ कंडीशन में है, मतलब ये बहुत यूज़ हो चुका है, फिर भी 2500 में अच्छा है। और इसका जो फ्रंट ग्लास है वो टूटा हुआ है, चलो देखते हैं अभी ऑन करके कि चलता है कि नहीं। और इसमें स्क्रैच काफ़ी दिख रहा है, फिर भी बॉडी पे है, ये चल जाता है 200-300 में। ये बैक ग्लास और फ्रंट ग्लास, फ्रंट का जो ग्लास है वो लग जाता है। तो आप लोग अगर लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, इसमें 400-500 रुपया अगर एक्स्ट्रा लगाओगे तो 3000 में आपका ये मोबाइल नया जैसा हो जाएगा। तो अभी इसको हम ऑन करके देखेंगे कि ये ऑन होता है या नहीं होता है, और इसमें सिम डाल के भी देखेंगे नेटवर्क का शायद कुछ इशू ना निकले। तो इसको अभी ऑन करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद हाँ ऑन हो गया, ठीक है। तो ऑन होने तक थोड़ा सा रुकते हैं, आप लोगों को बाद में इसका डिटेल में आप लोगों को बताती हूँ कि लेना चाहिए या नहीं। चलो ये तो ऑन हो गया, इसको अभी हम सेटअप करते हैं, ठीक है। तो सेटअप करना पड़ेगा, तो मैं अभी पटापट इसको सेटअप कर लेता हूँ। तो सेटअप करने के बाद आप लोगों को कैमरा सारा चेक करके आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और साथ में घंटी बटन भी दबा देना आने वाले वीडियो के लिए, क्योंकि मैं बहुत लेट वीडियो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम था इसलिए। सो इसको हम सेटअप कर लेते हैं अभी पटापट, अभी फुल्ली सेटअप हो गया। तो अभी आप लोगों को दिखाऊंगा इसका कैमरा, ठीक है, इसे कैमरा चेक करके आप लोगों को दिखाते हो कैमरा कैसा है इसका, ठीक है। मेरे हिसाब से काफ़ी सही है, क्योंकि सिर्फ इसका फ्रंट ग्लास टूटा हुआ है और थोड़ा सा स्क्रैच दिख रहा है पीछे में, और इतना कोई मेजर स्क्रैच नहीं है, बहुत अच्छा है। सिर्फ इसके साथ चार्जर नहीं आया, चार्जर नहीं देते डी कैटेगरी में, आप लोगों को ये बात बता दूँ। तो बहुत अच्छा लगा कि इतना अच्छा फ़ोन आएगा, मुझे इतना मतलब भरोसा नहीं था कि इतना सस्ते में इतना अच्छा फ़ोन भेजेगा। तो थैंक यू कैशिफाई, आप लोगों ने इतना अच्छा फ़ोन भेजने के लिए। तो ये फ़ोन बहुत अच्छा है, आप लोग इसका डिटेल्स देख सकते हो, यहाँ पे दिखा देती हूँ, ठीक है, आप लोग देख लो। तो ये तो हो गया पूरा फ़ोन, अभी इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सिम डाल के दिखाएंगे कि इसमें नेटवर्क का कोई इशू ना हो, कारण डी कैटेगरी में बहुत सारा इशू निकलते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम सिम डाल के देखेंगे, सिम डालने के बाद ही पता चलेगा कि इसमें कोई ऐसा इशू है या नहीं, ठीक है। तो अभी सिम डाल के देखिए, जियो का सिम डाल के देखूँगा, ठीक है। तो जियो का सिम मैंने डाल लिया, अभी देखेंगे नेटवर्क बराबर काम आता है कि नहीं आता है, ठीक है।
तो मेरे हिसाब से आएगा, क्योंकि वहाँ पे चार्जिंग दिखा रहा आ गया, वोल्टी तो नहीं आया। चलो अभी देखते हैं कि वोल्टी आता है कि नहीं। तो थोड़ा सा रुकते, आ गया देखो यहाँ पे 4G वोल्टी आ गया। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया मेरे को, सब कुछ सही है, सिर्फ इसका फ्रंट ग्लास थोड़ा सा टूटा हुआ है। अगर मेरे हिसाब से ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है इतना सस्ते प्राइस में, और मार्केट में देखोगी तो अगर ऐसा फ़ोन लेने जाओगी तो कम से कम 3,500-4,000 रुपया देना पड़ेगा। तो ये 3,000 में ऑल एवरीथिंग ओके हो जाएगा, मतलब इसका जो फ्रंट ग्लास है वो 200-300 रुपये में आ जाएगा, और बैक पैनल जो होता है वो सिर्फ 200-250 रुपये में आ जाएगा। ये अच्छा है।